द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन अगेन, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके देखो यार, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा इनके बारे में. नाउ स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्क्रिप्शन चलेगी रेन की, एंड देन फिर कंपैरिजन होगा. नाउ स्टार्टिंग में, एंड हु आर दो, कौन हो तुम, जस्ट लाइक ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, तो हम उनके हिसाब से कहते हैं, वो पूछते हैं कौन हो तुम, किससे पूछते हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर. सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर मतलब रेन से पूछते हैं सीधा डायरेक्टली, कौन हो तुम. विच स्ट्रेंज टू टेल, स्ट्रेंज बात क्या थी कि उसने आंसर दिया, गेव मी एन आंसर, ये स्ट्रेंज था उनके लिए, मतलब कुछ विचित्र बात जिसे कहते हैं ना, वो थी. नाउ उन्होंने आंसर क्या दिया, वो ट्रांसलेट किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ. आंसर रेन कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की पोएम हूँ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वो रेन कहती है. इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल, इम्पेबल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं ना एकदम धुंधली, वो फॉग कह सकते हैं, फॉग धुंध, उसी हिसाब से राइज होती है, उत्पन्न होती है आउट ऑफ द लैंड, जमीन से, बॉटमलेस सी समुंदर से, और जाती कहाँ पे, अपवर्ड टू हेवन, आकाश की तरफ जाती है. वैगली फॉर्म, वैगली फॉर्म मतलब धुंधले रूप में, धुंधला रूप करके ऊपर जाती है. ऑल टुगेदर चेंज मतलब इसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल नीचे पानी होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, चेंज हुई बट येट द सेम, है पानी का पानी, मतलब मैं चेंज हुई बट फिर भी सेम हूँ. नाउ आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मैं लेव का मतलब है वॉश, बाथ, नहाना एक तरह से, या फिर धोना जिसे कहते हैं ना, कपड़े वॉश किए मैंने, धोना. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ड्रॉट्स मतलब बीज जो अभी मतलब पैदा भी नहीं हुए, ठीक है, सॉरी 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 सीड्स होता है, ड्रॉट्स मतलब प्यासा प्यासा प्यासा, सॉरी कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है, इसलिए द ड्रॉट्स मैं गिरती हूँ और मतलब प्यास बुझाती हूँ, धोती हूँ किसको, एटम मीज, एटमीज मतलब टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, डस्ट लेयर्स को जो ग्लोब पे हैं. नाउ जब ऊपर से बारिश गिरती है तो क्या क्या होता है, उसने ये भी बता दिया, किस फॉर्म में ऊपर जाती है ये भी बता दिया, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, ये था वो. जब एक बार स्टोरी पहले मतलब पोएम अच्छे से पढ़ लो कि किस हिसाब से समझाना है, तो उस टाइम थोड़ी थोड़ी याद आती है ना, वो सीड्स वाली बात यहाँ बता दी, तो सॉरी फॉर दिस. नाउ एंड ऑल दैट आई एम देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, यहाँ पे रेन कहती है कि मेरे बिना सब के सब जस्ट बीज ही हैं, वो पैदा नहीं हो सकते, जैसे बिना पानी के बीज बाहर नहीं निकलता जमीन के, उगेगा नहीं. सो विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, लेटेंट का मतलब हिडन, अंदर छुपे रहेंगे वो, जीवित नहीं होंगे. एंड फॉर एवर, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, हमेशा चाहे दिन हो चाहे रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं लाइफ देती हूँ किसे, खुद की ओरिजिन को, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, मतलब जमीन है, जमीन में पानी है, वहीं से पैदा हुए बादल बने, और यही बादल वापस जमीन को पानी दे रहे हैं. सो बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक टू लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, जहाँ से मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब बिंदु या फिर जन्म स्थल, उद्गम जन्म स्थल या उद्गम जिसे कहते हैं, जहाँ से वो पैदा हुई वहीं पे वापस आ रही है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, सब अब मेक प्योर का मतलब है, जैसे नॉर्मली गंदा पानी होता है भाप बन के ऊपर जाएगा, बारिश का पानी बिल्कुल साफ होता है, मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, बारिश समझ सकते हो. अब इसने कंपैरिजन किससे करके बताया, जस्ट लाइक फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से पैदा होते हैं, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग दूसरों की इच्छाओं को, या फिर क्या कहते हैं घूम क्या, दूसरों की इच्छाएं आशाएं उनको पूरा करने के बाद, रैक्ट और अनरैक्ट घूम फिर कर, ड्यूली विद लव रिटर्न्स,
उसी प्यार के साथ वापस आते हैं, जिस प्यार के साथ सॉन्ग्स को गाया जाता है उसी प्यार के साथ वापस आते हैं। जस्ट कंपैरिजन है रेन का सॉन्ग के साथ। सो दिस इज ऑल द वॉइस ऑफ द रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार प्लीज़। जस्ट बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है।